इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, इंडिया कैन ग्रो हिज इकोनॉमी, इंडिया हैज़ दैट पोटेंशियल, बट उसे कुछ चीज़ों में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकाश एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग सर जी। दोस्तों, हाल ही में IMF ने ये प्रोजेक्ट किया है कि इस साल इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाला देश बनने जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? तो आपको पता ही है कि आज दो बड़े सुपर पावर कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर चालू है। मोर स्पेसिफिक बोलूँ तो ट्रेड वॉर चल रहा है US और चाइना के बीच। पहले तो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में COVID-19 की वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं इकोनॉमी को लेके। रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी में $10 trillion का नुकसान हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज आज लॉकडाउन में है और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस हमें देखने मिल रहे हैं। बहुत से देशों के पास तो मॉनेटरी टूल्स जो होते हैं जिससे इकोनॉमी स्टेबल रखने में मदद होती है, वो भी नहीं है 2008 की मंदी की वजह से। दुनिया भर में जो कॉरपोरेट इकोनॉमी है उसमें भी 12 ट्रिलियन तक का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। डिमांड में गिरावट आई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख ही रहे हो ऑयल के प्राइसेस जो गिर गए हैं, उसके कारण मिडल ईस्ट जो देश है उनका क्या हाल हो रहा है। अब ये COVID-19 क्या कम था जो अभी चाइना और US के रिलेशन ख़राब हो गए हैं, उनके बीच में कोल्ड वॉर चालू हो गई है, कितना ज़्यादा टेंशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आज US ने चाइना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो थे उनमें हाई टैरिफ ऐड किए हैं, वहीं जो कंपनीज थी वहाँ पे चाइना में बेस्ड कंपनी उनको भी चाइना छोड़ने पर मजबूर किया गया है। वहीं चाइना ने भी सिमिलर टैक्टिक यूज़ की है, USA के जो गुड्स थे उन पर हाई टैरिफ रखे है, और तो और वो पूरी कोशिश कर रही है, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि जो कंपनी वहाँ इन्वेस्ट कर रही थी वो अभी भी इन्वेस्टमेंट वहीं करे, वो छोड़ के ना जाए। ये कोल्ड वॉर अभी से ही नहीं बल्कि 2010 से चालू है, जब से चाइना धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। USA नहीं चाहता कि अपना सर का जो सुपर पावर जो ताज है उसके सर पर वो हट जाए। अब चाइना क्यों ग्रो हुआ है, कैसे ग्रो हुआ है, क्या वजह है उसके पीछे, ये आप हमारे ये वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हमने बराबर एलैबोरेट किया है कि क्या चीज़ें इंडिया से बेटर है चाइना में जो वो इतना सुपर पावर भी बन चुका है। डे बाय डे चाइना और US के जो रिलेशन है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। USA ने जो हॉन्स्टन बेस्ड चाइनीज कॉन्सुलेट था उसे बंद कर दिया गया है, वहीं इसके आंसर में चाइना ने जो USA का चेंगडू बेस्ड कॉन्सुलेट था उसे भी बंद कर दिया गया है। अब इसके कारण और सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है। अब हम देखते हैं कि हाउ इंडिया कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। अब देखो, पोटेंशियल इंडिया के पास बहुत है, कई सारे रास्ते खुले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट तरीका है जियोपॉलिटिकल रास्ता। हम ये सुपर पावर के बीच की जो कोल्ड वॉर है उसमें इंडिया को एक नया स्टैंड दे सकते हैं, सेम जैसे USA और रशिया के बीच में जब कोल्ड वॉर हुआ था चाइना ने अपने आप को जैसे ग्रो किया। देखो दोस्तों, चाइना ने अपने पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाया, वो आज सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उसकी जितनी भी पॉपुलेशन है सबके सब स्किल्ड है, वेल स्किल्ड है, जो कि परसेंटेज इंडिया में बहुत कम है। सबसे पहली चीज़ जो इंडिया को करनी है वो है अपने लेबर को स्किल्ड बनाना। अगर हम लेबर को स्किल्ड बना पाए तभी हम उनके जैसे प्रोडक्शन और उनके जैसा रेट दुनिया को दे पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी हम रेलवे ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 50 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि जो बाहर जो बाकी कंट्रीज है वियतनाम वगैरह उनसे कहीं गुना कम है। हमारे पोर्ट्स कम हैं, पोर्ट्स में फैसिलिटीज़ कम हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले सुधारने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें डेवलप होने के बाद देखो, अब COVID-19 के कारण ऑलमोस्ट सारे देश चाइना को अपना दुश्मन बना बैठे हैं, है ना, उससे नाराज है। उसके कारण वो लोग, चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था और अब ये जो देश है ये रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं चाइना का। अब रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट अभी फिलहाल के इसमें पॉपुलेशन को देखते हुए, प्रोडक्शन को देखते हुए इंडिया है। इवन USA और जापान जो सबसे बड़े इम्पोर्टर थे चाइना से, ये लोग भी अब इंडिया को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान रहे हैं। और तो और दोस्तों, इवन चाइना में भी US के गुड्स में हाई टैरिफ लग चुके हैं, उसके कारण जो प्रोडक्शन था, जो US से गुड्स आ रहे थे इंपोर्ट कर रहे थे चाइना, उसमें प्राइसेस बढ़ गए। उसके कारण अब इंडिया ही सेकंड ऑप्शन है चाइना के पास भी, वहाँ पे भी चाइना में भी हमारा जो मार्केट है वो ओपन खुला हुआ है इंडिया के लिए। दूसरा तरीका जिससे हम पूरी दुनिया में अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं वो है हेल्थ सेक्टर की मदद से। देखो दोस्तों, COVID-19 से सारी दुनिया अभी लड़ रही है, सारे देश लड़ रहे हैं, सबकी इकोनॉमी लॉस पे है, सबकी इकोनॉमी हैम्पर हुई है। ऐसे में इस पोजिशन पर अगर हम इंडियन अपनी इकोनॉमी को संभाल पाए, एक स्टैंड दे पाए हमारी इकोनॉमी को दूसरे देशों के मुकाबले, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी कोऑपरेट करना ज़रूरी है, ताकि लॉकडाउन की सिचुएशन ना आए। लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है,
गवर्नमेंट ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन, ये सब सारी चीज़ें सिखा ही रही है। और दोस्तों अगर हेल्थ केयर में और हम बात करें तो देखो, कोविड को सबसे पहले जो हरा पाएगा वही देश आज सुपर पावर बन सकता है, ऐसा सब कह रहे। क्योंकि देखो हम प्रॉपरली एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे कोविड 19 को लेकर, हमें बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही है। अगर ऐसे में इंडिया कोविड 19 की वैक्सीन पहले बना लेता है अपने लोगों के लिए, तो इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इंडिया को ग्रो करने के लिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है इकोनॉमिक को ग्रोथ दिलाना और इकोनॉमी को संभालने का तरीका। इंडिया में ज़्यादातर लोग हैंड टू माउथ बेसिस पे वर्क करते हैं, जिसके कारण एक चीज़ तो साफ है कि हम ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दोस्तों एक मदद तो इंडिया को हो गया है कोविड 19 की वजह से, जो ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में, जो ऑयल प्राइसेस कम हो गए उसके कारण हम इंडिया को जो बैलेंस पेमेंट का जो इशू था वो अभी सॉल्व हो गया है। बाकी देशों के मुकाबले फूड स्टॉक हमारे देश में काफ़ी है। RBI भी काफ़ी अच्छे मेजर्स ले रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करना और लिक्विडिटी मेंटेन करना, बढ़ावा देना लिक्विडिटी को मार्केट में। एक और फ़ायदा जो हो रहा है हमारी इकोनॉमी डाउन होने से, जी हाँ हमारी इकोनॉमी डाउन होने से जो हमारा फ़ायदा हो रहा है वो है हमारा रुपी जो कि वीक है, उसके कारण काफ़ी देशों के मुकाबले इंडिया इज़ अ बेटर ऑप्शन, जो कि एक्सपोर्ट मामले में अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो इंक्रीज डिमांड जो है एक्सपोर्ट की बहुत इंक्रीज हुई है, एक्सपोर्ट का मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज कि यहाँ चीज़ें सस्ती मिलेगी। पर दोस्तों कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और जो कि चाइना की जो कंपनीज है, जो चाइना छोड़ के एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, वो इंडिया ना होते हुए अब वियतनाम हो रहा है। जो कि कंपनीज इंडिया आनी चाहिए थी अब वो वियतनाम जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो दोस्तों रीज़न नंबर वन इसका यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना ज़्यादा डेवलप है इंडिया से। आप देख रहे हो इंफ्रा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट में। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है कि वियतनाम अपने हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया 7.5% अपने GDP का लगाता है ह्यूमन कैपिटल पे, वहीं 7.5% GDP का वियतनाम सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ केयर पर लगाता है, तो आप सोचिए। तीसरा रीज़न है जियोग्राफिकल रीज़न। देखो चाइना में कोई भी चीज़ एक जगह नहीं बनती है, वहाँ पे सप्लाई चेन चलता है, ये स्टेट में ऐसे सप्लाई चेन चलता है वहाँ पे। तो कोई भी कंट्री अगर वहाँ से पूरा का पूरा अपना सेटअप उठाना चाहे भी तो वो उठा नहीं सकती। तो जितना 50% अपना सेटअप भी अगर कोई कंट्री उठा रही है तो उसे ऐसा कोई लोकेशन चाहिए जो चाइना से पास हो, उसकी दूसरे जो सप्लाई चेन की जो स्टेट्स है उससे पास गिरे, जो कि इंडिया नहीं है, वियतनाम सबसे पास है चाइना से। दोस्तों चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है शेजैन, वो वियतनाम से काफ़ी क्लोज है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। अब देखो इंडिया में अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बाहर की कंट्री है, कोई बाहर का, या फिर किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जो कि एट एन एवरेज 27 डेज लेता है, जिसके कारण जो कंपनी आती है उसे कॉस्ट ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। वहीं वियतनाम की बात करो तो सिर्फ 8 प्रोसीजर है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है वहाँ पे, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ जो स्टार्टिंग द बिजनेस है वो बहुत कम पड़ता है कंपनीज को। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो का कंक्लूजन। इंडिया कैन बी अ सुपर पावर, इंडिया कैन ग्रो हिज इकोनॉमी, इंडिया हैज़ दैट पोटेंशियल, बट उसे कुछ चीज़ों में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेके, जो भी अभी चल रहा है उनको लेके। हम अगर उस पर प्रॉपर ध्यान देंगे तो हम श्योरली, जैसे चाइना भी देखो, चाइना पहले से इतना डेवलप नहीं था, उसने बस 10 सालों में ही डेवलपमेंट की है, हम भी ऐसे ही 10 सालों में डेवलप हो सकते हैं या फिर उससे पहले डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी जो वीडियो की जो तरीका है बताने का वो आपको पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू।